नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार उनके गाने इस कदर छाए हुए हैं कि भैया सिर्फ बिहार में नहीं बसते, सिर्फ इंडिया में नहीं बसते, वर्ल्ड के रैंकिंग में भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के गाने आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि बदलाव हो गया है और ऐसी बदलाव हुई है कि अब इंडस्ट्रीज़ एक अच्छे लेवल पर पहुँच गई है। बात अगर करें भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दो सुपरस्टार भाइयों की, अंकुश और राजा की, तो इनके गाने ने एक अलग ही परचम लहराया है। इनके अगर गाने की बात करें तो जीजा के भाई जो लगातार 3 फॉर्मेट में है, पहली अगर बात करें तो दशहरे के सीजन में रिलीज की गई, छठ पूजा में आई, फिर जब लोकगीतों का जब दौर शुरू हुआ तो उसमें भी हमके दुल्हन बनाला ए जीजा के भाई सॉन्ग ने पूरी तरह से एक ग्राफ है उसको बदल कर रख दिया है। सबसे पहले अगर इस गाने की बात करें तो इंडिया में 3रे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, बिहार में 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और साथ ही वर्ल्ड में, विश्व में 6ठे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, अंकुश राजा ये दोनों भाइयों की जोड़ी, तमाम जो गाने हैं इनके काफ़ी सुपरहिट रहे हैं, बैक टू बैक सक्सेस के उस कगार पे हैं जहां इन दोनों भाइयों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आए दिन नई नई गानों, नई नई कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इनके गाने ने पूरी तरह से चीज़ों को बदल कर रख दिया है। इस गाने की बात करें तो बोस रामपुरी ने लिखा है, म्यूजिक और अपने संगीत से सजाया है इसे आर्या शर्मा ने, और गाने की खूबसूरती, जिस तरह से ऑडियंस का प्यार मिला है वह सबसे अलग है। कहें तो अंकुश राजा दो भाइयों की जोड़ी काफ़ी शानदार रही है। और हाल ही में अगर बात करें तो कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले की एक रिपोर्ट थी जिसमें खेसारी लाल जी का जो सॉन्ग था झगड़ा, वह भी वर्ल्ड के जो नंबर थे उसमें 19 नंबर पर ट्रेंड कर रहे थे। यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं, इससे पहले अगर पवन सिंह जी की बात कर ले तो पवन सिंह जी के भी गाने ने वर्ल्ड की रैंकिंग में पुदीना सॉन्ग ने काफ़ी हद तक ट्रेंड किया था और बहुत दिनों तक बजा भी था। यानी कि तमाम जो कहें, अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो कलाकार हैं उनके गानों ने अब एक फहरिस्त जो है वो बदल कर रख दी है। यानी कि एक जो अलग सा खाका खींचा है जिसकी हम कभी कामना या फिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी इंडस्ट्रीज के जो ग्राफ्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, हम अचानक से एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे। मात्र पिछले 6 महीने 8 महीने की अगर जो जर्नी है भोजपुरी इंडस्ट्रीज की वो देखें तो ट्रेंडिंग लिस्ट में तमाम गाने पहुंचे हैं। लगभग हर महीने ऐसे 3-4 गाने थे जो यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में थे और जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के थे। टॉप 10 के अंदर भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के गानों ने ही एक अपना अलग पहचान बना कर रखा। तो कहें तो भैया बदलाव हो चुकी है, एक बदलाव अलग सी हो चुकी है जो अब आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदल कर रखने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपडेट हैं जो हम आपको अगले वीडियो में भी देने वाले हैं। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में बेताज बादशाह बनकर एक बार फिर से दो भाई की जोड़ी है जो निकल चुकी है, अंकुश राजा की जोड़ी, बहुत जल्द हम इनसे मिलने भी वाले हैं और उनकी एक इंटरव्यू भी होने वाली है। तो बस बैठे रहिए, आप तक हम खबरें पहुंचाते रहेंगे और इस गाने को और भी भरपूर प्यार दीजिए और साथ ही अंकुश राजा इन भाइयों की जोड़ी के इस गाने को और भी टॉप लेवल तक पहुंचाइए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।